यार ये क्या सीन है, पैसों की टेंशन भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। वो क्या है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अलाइड बैंक की एक मोबाइल एटीएम खड़ी है। नाइस आइडिया यार, नहीं सही काम चल रहा है। मोबाइल चार्जिंग करा लो बे, मोबाइल चार्जिंग। नाइस बिजनेस आइडिया, दे दो यार दे दो। और गेंद ते ले, पैसे ते गेंद ले, लाला की हो गया, पैसे ते गेंद ले। गेंद ते सही चाचा, गेंद ते ले, ना दे, मैं तेनू कह रहा ना दे। और गेंद ले चाचा, गेंद ले चाचा, बिस्मिल्ला कर यार, बिस्मिल्ला करो, बिस्मिल्ला करो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? अच्छा तो यार आजकल जैसे आपको पता है भाई बकरा ईद का जो है सीज़न चल रहा है, तो बकरा ईद के सीज़न की वजह से भाई हर बंदा घर से निकला हुआ है, बकरे शकरे देख रहा है, अपने कुछ जानवर जो उनको चाहिए वो देख रहा है, जिसकी जितनी पहुँच है कोई भाई वेड़े शेड़े ले रहा है, कोई बकरे शकरे ले रहा है। तो खैर हम तो खैर यार आ जाए हैं, कोई जानवर मैंने कहा देखते हैं, अगर कुछ अच्छा लगा तो लाजमी लेंगे, अगर नहीं भाई को पसंद आता तो फिर कल दोबारा चक्कर लगाएंगे। तो इसी तरह से जो है ना हंट तो जारी रहेगा। तो खैर यार आज हम आए हैं और आज दिन है इतवार का और आज रश बहुत ज़्यादा है, इंतहाई जो है ना वो बुरे तरीन किस्म का रश फंसा हुआ है। तो खैर हम चल के देखते हैं यार हमें क्या मिलता है, और आपको जो रेट्स वगैरह हैं वो भी आज दिखाते हैं कि जानवरों के क्या रेट चल रहे हैं और भेड़ों का क्या रेट है, बकरों का क्या रेट है, अगर कोई ऊँट वगैरह हमें नज़र आए तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी तो खैर यार मैं पार्किंग वगैरह ढूंढ रहा हूँ, तो जैसे कोई पार्किंग मिलती है गाड़ी लगाते हैं फिर चलते हैं अंदर, आपको चल के दिखाते हैं कि क्या सीन चल रहा है पार्किंग का। यहाँ पर ये सीन है कि पार्किंग यहाँ बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखें तो ये सामने मंडी है, हम भी अक्रॉस द रोड यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से हम आए थे, तो ये सारी यार लाइन में ऐसे गाड़ियाँ खड़ी हैं वो देखें आप, तो पार्किंग का कोई सीन नहीं है भाई। अगर आपने आना है तो पार्किंग आपको फिर ऐसे ही करनी पड़ेगी। अब ये चेक करो यार, ये बकरी कटिंग शटिंग कर रहे हैं। तो यार अभी हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो कोई जो है ना वो रेट्स वगैरह का हिसाब किताब नहीं है, यहाँ बाहर बाहर ना ज़्यादा रेट मांगते हैं। तो अभी अंदर चल के ज़रा देखते हैं क्योंकि काफ़ी अंदर चल के हमें जाना पड़ना है। मोबाइल चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग यार, किसी भी किसी मोबाइल चार्जिंग करा लो भाई, मोबाइल चार्जिंग। कितने पैसे लेते हैं आप? मोबाइल चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग करा लो भाई, मोबाइल चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग करा लो भाई, मोबाइल चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग करा लो भाई, मोबाइल चार्जिंग। नाइस आइडिया यार, नहीं सही काम चल रहा है। मोबाइल चार्जिंग करा लो भाई, मोबाइल चार्जिंग। नाइस बिजनेस आइडिया। तो भाई यार ये देखो कितना अच्छा बिजनेस आइडिया भाई, घरों से निकलो फिर ही तो आप कुछ कमाओगे। इस बंदे ने क्या किया, सिर्फ यार ढेर सारे चार्जर खरीदे हैं, एक उसने टेंट लगाया है और यहाँ पे इसने रख के मोबाइल जो है ना चार्ज करने शुरू कर दिए, छोटे मोबाइल के 50 रुपये और बड़े मोबाइल के 80 रुपये फुल चार्ज के, 100% चार्जिंग के। नाइस आइडिया बाय द वे यार। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपके पैसों की टेंशन भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। वो क्या है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अलाइड बैंक की एक मोबाइल एटीएम खड़ी है, ये चेक करें आप पैसों की टेंशन है भाई, ये बिल्कुल इसके पास खड़ी है, जो स्लॉटर हाउस है ना यहाँ से जब अंदर एंटर होते हैं स्लॉटर हाउस के बिल्कुल साथ खड़ी है। हाँ जी पैसों की टेंशन खत्म, ये भाई बात ही उन्होंने ख़त्म कर दी है कि भाजन पैसे कोई नहीं, मैं पैसे ले आ गया ना नाल खड़े है भाई जान, एटीएम इधर आएँ और आप अपने पैसे विड्रॉ करें और अपनी आप आराम से जो ना वो जो अभी ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। यार ये क्या सीन है, कितना कह रहे हैं इसका, कितना कह रहे हैं इसका, ये वालेगा कितना कह रहे हैं? आपने कितना लगाया? 340। यार नहीं यार है तो फिर गल माड़ी है साथ, 10,000 रुपये तो पीछे नहीं दे रहे हैं, नहीं है तो गल माड़ी है फिर चाचा दे दे यार। बिस्मिल्लाह फाड़ यार चाचा, ना कर, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, बिल्कुल ठीक किया है। तो समझ ना लगे यार, ना छिपो बस, हैं ना समझ लगे ना छिपो,
नहीं वो गल नहीं है, उन्होंने बड़ा अच्छा रेट लाता है। नहीं यार दे दो, बड़ा अच्छा रेट लाया उन्होंने। नहीं 10,000 रुपए के पीछे ना रेट खराब करो। दे दो यार दे दो, गेंद ते लै पैसे ते गेंद लै लाला की हो गया, पैसे ते गेंद लै, गेंद ते लै ना दे चला के तो चेक करो इसको ले जो बाकी केड़े इलाके च लेके आए हो? भावलपुर, भावलपुर से लेके आए। इन्हों के 3.5 किलो घाट नहीं देना, मत तुसा घाट देवो पे नहीं आसानी देना। चाचा ठीक है यार, ना दित करना है चाचा, ना दित मत तेरी मेहरबानी ना करना है ए वेला इधर ए वे चाचा यार, नहीं जितनी चंगी होती है नहीं जितनी चंगी होती है इसी अल्लाह दी रात में है बस और बस चाचा इधर मान ले यार, नहीं कहते नहीं ये किराया ला के जाना है। खड़ो ओए कोई मियां चुप करो ओए आवाज देती बंद करना पे। नहीं नहीं ना करो ठीक है यार, गल माड़ी है ठीक है, रख लो रख लो ठीक है, बस ठीक है। चलो जी मुबारक हो जी, बहुत बहुत अल्लाह कबूल करे आपकी, ठीक है बड़ी मेहरबानी, गुड हो गया यार। तो भाई इन्होंने 3.5 मांगा था और 3.40 इन्होंने बोला कि भाई 3.40 हम देते हैं, लेकिन ऊपर उन्होंने 2,000 पहले दिए फिर भी नहीं माना, अब 1,000 और दिए। तकरीबन इन्होंने 343 में ये जानवर लिया है, तो मेरे ख्याल से तो बहुत ठीक है यार। अगला भी चौका लेके कहाँ जाना आपने? अजीज को लेके नाल बैंक, नाल बैंक। अच्छा यार वैसे कोई ऐसी जगह लगाते हैं ना जो पीछे से ऊंची होती है, यहाँ पे तो मेरा नहीं ख्याल ये यहाँ पे चढ़ेगा। गाड़ी पहले घुमा लो, उमर ही आ गया माशाल्लाह जबरदस्त, गाड़ी घुमा लो यार ऐसे नहीं जाएगा ये। ये देखो यार ये कुछ कैटल फार्म हैं, और कैटल फार्म पे भी जो ना काफ़ी अच्छे अच्छे जानवर होते हैं। ये देखो कितना खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह, काफ़ी ह्यूज है यार, अगर आप बल्कि कैसे आपको अंदाज़ा होगा। ये देखो मेरे साथ खड़ा जानवर, ये देखो मेरी हाइट के तकरीबन, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ मेरी हाइट के तकरीबन मेरे यहाँ यहाँ तक आ रहा है। ओए माशाल्लाह अब्दुल्ला पास खड़ा ही, अब्दुल्ला 6.5 फुट तेरी हाइट है, दे माशाल्लाह पास खड़ा होके दे। सर की मंगया था? 8.5 चौगा है, चौगा सही किन्ना
अच्छा माशाल्लाह यार बहुत खूबसूरत जानवर है यार। कितने साल लगे इन्हें तकरीबन इतने तक पहुंचा? 2.5 साल लगे। की खवांदे पेंदे रहे ठीक पाई हो सिंह छोटे हो गए सी। अच्छा सोने लग सी मुंदरिया पैसा। नहीं सही है माशाल्लाह बेहतरीन है बेहतरीन है। साढ़े चार क्या हो गया इसका? साढ़े चार मांग रहे हाँ जी क्या दोंद है? एक गब्बू हो गए इसके दांत बंद कर दिए। आपने खुद ही बाहर निकाल दिए। सर आप दुआ करें कि बारिश आए तो ये माल सस्ता हो जाए। दुआ करें आटा 60 रुपए किलो हो जाए। अल्लाह करे ये अल्लाह करे ये खाता है दलिया खाता है ना। आपका कसूर है ना इनका कसूर है। इन्होंने कुर्बानी के लिए लेना है ना कोई आता ये खाता है। चाहे बारिश दो दिन हो जाए ये सस्ता नहीं होगा क्योंकि इन पर पैसे नहीं। आपने ढाई अच्छा ठीक ढाई इन्होंने अच्छा रेट कह दिया सर जी। सर जी मैं सुने अभी आपको दिखा देता हूँ मुझे ऐसा जानवर ला। सर वो बात नहीं है लाने को। ये तो हर बंदा ये कहता है कि मैं आपको इतने पैसे देता हूँ ये ला दें। वजन में कितना है जी? वजन में कितना है ये सर? 9 मन वजन है। की बात है ज्यादा जी। और दांतों में? दांतों में ये चौका है। चौका है सही। वैसे आपने ठीक रेट लगा दिए माशाल्लाह। चौका है ना अभी आपने इधर सुना भी नहीं है दोस्तों होता तो सर जी। सर जी बात सुने अभी तो आप एंटर हो गए हैं 100 एकड़ में मंडी बनी है पूरी विजिट करें हाँ। फिर आप आए वैसे आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। नहीं जानवर को नहीं कुछ कह रहे जानवर माशाल्लाह बहुत प्यारा यार। आप अपने चैनल का नेम बता दें हमें। उमर यही है। ये देखिए उमर भाई। नहीं माशाल्लाह वजन बहुत है अच्छा है ठीक है प्यारा। मंगिया कितना सीधा तू? 4 भी। चलो यार यहाँ मोस्टली लोगों की प्रेडिक्शन ये है कि अगर बारिश आ गई तो रेट टूट जाएगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये देखें मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया है। और मुझे लगता है कि यार शायद आजकल में बारिश वगैरह का तो सीन है कोई, तो अगर कोई बारिश हो गई ना तो मुझे लगता है यार थोड़ा बहुत तो रेट टूटेगा। और बाकी देखते हैं फिर क्या बनता है क्योंकि अभी तो रेट्स काफ़ी हाई हैं। प्लस आज संडे भी है और संडे का अगर मैं बताया एक तो रश बहुत ज़्यादा है और हर बंदे ने तकरीबन कोशिश करनी है आज आखिरी वीकेंड है और छुट्टी का दिन है तो आज ही कोई जानवर वगैरह ले लें। तो रश आप देखें रश तो बहुत ज़्यादा है। Can I tell you about a story?